कोरोना की दूसरी लहर से उभर रहे महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत सामने आने लगी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रत्नागिरी से इस वेरिएंट की वजह से एक की मौत सामने आई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने एहतियातन तौर पर महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। रत्नागिरी जिले में इस वेरिएंट की वजह से 80 साल के एक मरीज की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। महाराष्ट्र में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से होने वाली पहली मौत है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की इस वेरिएंट की वजह से मौत हुई वो पहले से कई बीमारियों से पीड़ित थे। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस खबर की पुष्टि की। आज जी कई 21 पेशेंट होते एक 80 वर्षाचा वयस्कर व्यक्ति कोमॉर्बिड असलेला भरपूर तो दुर्दैवाने त्याचा मृत्यू झालेला आहे, परंतु बाकीच्या पेशंट्स स्थिर आहेत आणि बरेचसे पेशंट बरे होऊन घरी सुद्धा गेलेले आहेत। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा कितना बड़ा है इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है कि सरकार फौरन एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी जो जिले लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में जाएंगे। लेवल 3 में आने से सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी, साथ ही मॉल खोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। एक आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। कोई भी वेरिएंट हो, जैसे भी वेरिएंट अपना इवॉल्व करे, क्योंकि इवेंचुअली ये दो चीजें नहीं चेंज होती हैं। फिलहाल देश के 11 राज्यों में डेल्टा प्लस के 48 केस हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 20 मामले हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको कि हम सब लोग मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिजीज के ट्रांसमिशन पर कितना पड़ रहा है ये देखने के लिए। क्या जो म्यूटेशन हम देख रहे हैं उसमें क्लिनिकल सीवियरिटी भी दिख रही है, या हम कोई म्यूटेशन ऐसा देख रहे हैं जो कि री इन्फेक्शन को प्रमोट कर रहा है, और क्या हम ऐसा देख रहे हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी में अगर कोई नए म्यूटेंट का असर आ रहा है ये देखने के लिए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में बेहिसाब तबाही मचाई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों लहरों की तुलना में तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यही वजह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को काफी ज्यादा चिंताजनक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि महाराष्ट्र में तीसरी लहर भारी तबाही ला सकती है। मेडिकल टास्क फोर्स के एक दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर 50 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। तीसरी लहर में मेडिकल से जुड़े 25 लाख लोग वायरस की चपेट में आ सकते हैं। इसकी तैयारियों के लिए दवाई, किट और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले से किया जाना चाहिए। कोरोना की पहली लहर में महाराष्ट्र में 19 लाख लोग चपेट में आए थे, जबकि दूसरी लहर में 40 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हुए थे। 50 लाख तक लोगों तक ये लहर शायद लोगों को बाधित कर सकती है, तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी लोग इससे बचाया जा सकता है उतना हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सांस के माध्यम से या फिर आपके खाने पीने के ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर इसका असर अगर होने वाला है, तो उसे बचाने के लिए जो जो भी उपाय है, और इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर होगा, तो ये तीनों चारों जो भी रास्ते हैं वायरस के अपने ऊपर अटैक करने के, उन सब के लिए हम लोग प्रोटेक्शन के पीछे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, तीसरे वेव में एक और बड़ी चुनौती हो सकती है, और वो ये कि इस वेव में पानी के जरिए भी वेरिएंट आ सकता है। यानी तीसरी लहर में नया वेरिएंट पानी के जरिए भी इंसान के शरीर पर हमला बोल सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। साथ ही उदय कुलकर्णी ने यह भी दावा किया है कि अगर 3 महीने में खुद को नहीं बदला गया तो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका और एक वेरिएंट भी आएगा जो थर्ड वेव में हमारे सामने आएगा, और जो पानी से भी अपने शरीर में आ सकता है जैसे हमने देखा है, तो इट कुड बी सम अदर वेरिएंट विच कुड बी कमिंग विद द थर्ड वेव, और उस वक्त हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त उसका वायरुलेंस और बढ़ भी सकता है। महाराष्ट्र धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा पूरे राज्य में एक नई मुसीबत को लेकर आगाह कर रहा है। एक ऐसी मुसीबत जो पहले की तुलना में काफी बड़ी और भयावक है। यही वजह है कि सरकार इसके ऊपर नजर तो रखी हुई है, साथ ही साथ इससे निपटने के लिए एहतियातन कदम भी उठा रही है।